दोस्तों 1900 के दौर में भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में हो चुका था। राजा महाराजा और रियासतें केवल नाम के ही रह गए थे। ये सभी अंग्रेजी सरकार के अधीन थे और अंग्रेजों को टैक्स के रूप में मोटी रकम देते थे। जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की थी उन नवाबों और राजाओं को मारकर उनकी रियासतों को अंग्रेज सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। इसी दौर में अंग्रेजों के खिलाफ आम लोग भी बगावत करने को तैयार हो रहे थे। इससे पहले 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके कई सालों बाद 1900 के दौर में भारत में एक बार फिर से लोगों में अंग्रेजी सरकार से आजादी पाने की लालसा जोरों से जन्म ले चुकी थी। जगह जगह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन और विद्रोह होने लगे थे। इस दौर में भारत में रहने वाले लोग अंग्रेजों की कठोर कानून व्यवस्था से डरकर काफी संयम और सावधानी से रहते थे। गांवों में अब तक भी लोग कच्चे खपरेल और फूस के मकानों में रहते थे। खेती किसानी पशुपालन के अलावा लोग अपना पुश्तैनी काम करते थे। हालांकि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में विकास कार्यों में तेजी आई थी। 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुंबई और ठाणे के बीच पहली बार सफलतापूर्वक सवारी रेलगाड़ी चलाकर इतिहास रच दिया था। बाद में 1900 के दौर में अंग्रेजों ने ही भारत के बड़े बड़े शहरों को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम किया, जिससे लोगों को बड़े बड़े शहरों तक काम करने जाने में आसानी हो गई। 1900 के दौर में ही अंग्रेजों ने बिजली सप्लाई को तेजी के साथ शहर कस्बों तक पहुँचाना शुरू कर दिया था। आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास इस दौर में नहीं हो पाया था। हालांकि इसी दौर में टेलीफोन जैसी सुविधाएं शुरू हो चुकी थीं, लेकिन ये सुविधा आम लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर था। लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए चिट्ठी पत्री पर ही निर्भर थे। इस दौर में गांव हो या शहर, हर जगह हो रहे कार्यक्रमों में लोगों को केला, सागौन, कमल आदि के पत्तों पर भोजन परोसा जाता था। जो लोग थोड़ा पैसे वाले होते थे वे अपने यहाँ सूखे पत्तल में खाना खिलाते थे। मिट्टी के कुल्हड़ में पानी परोसा जाता था। आज के ज़माने में प्लास्टिक की थाली और गिलास का चलन हो गया है। इनके वजह से प्रकृति को भी काफ़ी नुकसान होता है और इसी कारण कुम्हारों का रोजगार भी बंद हो गया है। अगर आपने भी कभी पत्तों में खाना खाया हो और कुल्हड़ में पानी पिया हो तो ईमानदारी से कमेंट में बताइए कि इसमें खाना खाते समय अतिरिक्त स्वाद आता है कि नहीं। दोस्तों, इस समय लोग ज़्यादातर कुएँ से पानी निकाल कर पीते थे और खेतों की सिंचाई भी कुएँ से ही करते थे। बाजारों में भीड़ बहुत कम होती थी, लेकिन तीज त्योहारों के समय बाजारों में काफ़ी रौनक दिखती थी। इस दौर में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते थे। रिश्तेदारी में आने जाने का चलन काफ़ी था। लोग हफ्ते दो हफ्ते तक रिश्तेदारी में ही रहते थे और उनके कामों में हाथ बटाते थे। आजकल तो लोगों के पास समय ही नहीं है, मोबाइल पर ही हालचाल ले लेते हैं। तभी तो लोगों में दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, 1900 के दौर में पहनावे की बात करें तो लोग धोती कुर्ता, नेकर, अंगोछा और टोपी पहनते थे। दोस्तों, भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत की शासन सत्ता पर स्थानीय भारतीय कांग्रेस सरकार बनी। पाकिस्तान भारत से निकलकर एक अलग देश बना, लेकिन अब भी आम इंसान वही पुरानी जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे आज़ाद भारत की सरकार लोगों की दशा सुधारने के लिए अनेकों विकास कार्य कराने शुरू कर दिए, लेकिन अब भी लोगों का रहन सहन, संस्कृति आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस समय लोगों के घरों में रेडियो ने दस्तक दे दी थी। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन आम लोगों तक पहुँचने में इसे सालों लग गए थे। धीरे धीरे भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे कदम रख रहा था। साल 1959 में भारत में पहली बार दिल्ली में टेलीविज़न की शुरुआत हो चुकी थी और आम लोगों तक 1980 तक टेलीविज़न ने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की थी। बाद में रंगीन टेलीविज़न भी लोगों तक पहुंचा, VCR पहुंचा, लेकिन ये केवल अमीर लोगों तक ही सीमित रहा। गांव के लोग कार्यक्रमों में रात में रंगीन टीवी को बुक करा के लाते थे, जिसमें फिल्में देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। टीवी पर फिल्में व रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक लोग बैठकर बड़े चाव से देखते थे। लोग खेत खलिहानों में काम करते समय रेडियो एक जगह पर चालू करके रख देते थे और गाने बजाने सुनते सुनते काम करते थे। भारत के लगभग सभी राज्यों में लोक नृत्य, संगीत, धार्मिक प्रोग्राम, यज्ञ जैसे कार्य होते रहते थे। लोगों की आस्था ईश्वर के प्रति काफ़ी ज़्यादा होती थी। लोग ईश्वर के भजन कीर्तन के लिए समय निकालते थे।
दोस्तों आप सब लोगों में से बहुत से लोगों ने 1970 से लेकर 2005 तक का दौर देखा होगा। इन 35 सालों को जिसने भी देखा है वो पुराने भारत को कायदे से महसूस कर सकते हैं। चाहे खान पान हो या रहन सहन या फिर तीज त्यौहार, सब जैसा का तैसा ही बना रहा 2005 तक। इसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनों ने अपनी जगह मजबूती से बनाने में कामयाब हो गईं। नतीजा काफ़ी बेहतर रहा, लोगों का जीवन आसान हो गया, लेकिन लोगों में आलस भर गया। न कोई पैदल चलना चाहता है और न ही कोई शारीरिक मेहनत करना चाहता है, अब तो बटन दबाओ बस। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह 1900 के दौर का भारत, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।